अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसी मंदिर के सामने भगवान को साक्षी मानकर आपने हमारे रिश्ते की नींव रखी थी, और अगर आज आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो हमारे बीच आई इस दूरी की साक्षी भी यही बनेगी। मगर एक बात याद रखिएगा ध्रुव जी, अगर हमसे रिश्ता तोड़ना आपका फैसला है तो इस फैसले में आप अकेले हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए आज भी ये रिश्ता उतना ही मायने रखेगा जितना पहले दिन से रखता आया है, हमारी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता। हमारे इस मंगलसूत्र और सिंदूर पर आखिरी सांस तक हमारा ही हक होगा। आपको पता है ध्रुव जी, प्यार और विश्वास रिश्ते के दो ऐसे पहिए होते हैं जिनमें से अगर एक भी डगमगा जाए तो वो रिश्ता वही ढह जाता है। हमारे इस टूटते हुए रिश्ते को बोझ बनाकर ऐसे ऐसे जीने से बेहतर है कि हम आपको आजाद करते हैं। एक वक्त पर अगर हमारे होने से आपको सुकून मिलता था और अगर आज वो सुकून दर्द बन चुका है तो हम आपको वो दर्द नहीं देना चाहते। चले जाएंगे हम ध्रुव जी, अपने बच्चे के खून का दाग लेकर इस घर की दहलीज को पार करेंगे। लेकिन उस दाग को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे, मिटाकर रहेंगे उसे। हम ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे। चले जाएंगे हम यहां से। अगर यहां से जाने की कसम खा रही हो, जाते जाते एक और कसम खाती जाओ, ये आज के बाद हमारी नजरों के सामने कभी नहीं आओगे, क्योंकि अगर दोबारा कहीं पे हमें दिखी तुम या कहीं भी टकराई तो ना जाने हम क्या कर बैठेंगे, क्योंकि तुमने हमें ताउम्र का दर्द दिया है जिसे ना तो हम उम्र पर भूल पाएंगे और ना ही उस कम को कभी कम कर पाएंगे। Chakar chakar chakar
मम्मी मम्मी आप रुकिए, हम नानी से बात करके आते हैं। क्या से क्या हो गया? नहीं, ये मौसम और ये हालात, आज तो दोनों ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। पहले हम दुखों के बारिश में भीग रहे थे और तब तुम्हारे सर पर परिवार वालों का छाता था, लेकिन अब क्या है ना धानी, पासी अब पलट गई है। अब तुम बारिश में आंसू बहाओगी और हम इस घर में राज करेंगे। ये थी हमारी आखिरी बाजी। क्या कमाल का खेल खेला है ना हमने। पहले 3 महीने तक हमने तेरे बच्चे को आंच भी नहीं आने दी, पता है क्यों? ताकि ध्रुव जी को इस बच्चे से इतना प्यार हो जाए कि इस बच्चे के सामने तुम्हारी अहमियत ही ना हो। और हाँ, दूसरी तरफ परिवार वालों की नजर में हम इतना महान बन जाए कि वो हमें बुरा सोचे ही नहीं। तभी तो देखो ना, कैसे हमारी इज्जत बचाने के लिए ध्रुव जी ने तेरे कदमों से हमें उठा लिया था। धानी, जो अंदर नजारा हुआ ना, उसे अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए बिठा ले, क्योंकि क्या है ना, तू जिंदगी भर अकेले रहने वाली है। अभी तो बस शुरुआत थी, अब शुरू होगा असली खेल। तुझे इस घर से निकालकर हमने अपने रास्ते का काटा तो निकाल दिया है, लेकिन अब जिसे किस्मत ने हमारे लिए लिखा था, उसे हम हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाएंगे। यानी ध्रुव काशीनाथ पांडे सिर्फ सृष्टि का होगा और तू हमें कभी रोक नहीं पाओगी। इतना आसान नहीं है धानी के नाम को इस घर से मिटाना। तुमने ध्रुव जी और हमारे बीच दरार जरूर पैदा कर दी, मगर जीती नहीं हो तुम, और तुमने हमें घर से बाहर नहीं निकाला। इस परिवार को, इस घर को और ध्रुव जी को छोड़कर हम खुद जा रहे हैं, तुम्हारे हाथों सौंप कर, कि अगर तुम लाख कोशिशें भी कर लो तो ध्रुव जी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। उनके लिए हमेशा पराई रहोगी तुम, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देंगे।